अब हम देखते हैं, अगर हमने किडनी को ना एक्सपोज करना है तो सब हम कैसे करते हैं। ये हमारी किडनी पड़ी है, उसके लिए जो हम इसको एक्सपोज करने के लिए क्या क्या लेयर्स गुजारनी पड़ेंगी। 7 लेयर्स से हमें गुजरना पड़ता है। सबसे बाहर ये होती है हमारी स्किन, स्किन को हमने पियर्स करना है। उसके नीचे सुपरफिशियल फेशिया लगा हुआ है, उसको हमने पियर्स करना है। उसके आगे जाएँ तो 3 मसल्स इकट्ठे लगे होते हैं। सबसे पहले लगा हुआ है लैटिसमस डोर्साई, फिर लगा लैटिसमस डोर्साई लगा हुआ है, ये लैटिसमस डोर्साई है। उसके ऊपर ये है कौन सा मसल, सेराटस पोस्टीरियर इन्फीरियर, और ये है हमारे पास थोरैकोलम्बर फेशिया की पोस्टीरियर लेयर। थोरैकोलम्बर फेशिया की ना 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है। पोस्टीरियर लेयर होती है, ये मिडल लेयर है, और ये इसकी इंटीरियर लेयर। अब हमें 3rd नंबर पे इन तीनों को वो करना है, पियर्स करना है। उसके बाद ये मसल है उसको पियर्स करना है, जो कि इरेक्टर स्पाइन ही है। उसके बाद मैंने कहा था ये इसकी मिडल लेयर ऑफ थोरैकोलम्बर फेशिया है, और ये है इंटीरियर लेयर। अब इन ये मिडल के बाद हमने पियर्स करना है किसको, हमारा मसल आता था क्वाड्रेटस लंबोरस, उसको पियर्स करना है। और फिर हमारे पास आ जाती है इंटीरियर लेयर, उसको पियर्स करना है। फिर हमारे पास ये हमारी किडनी आ जाती है। सबसे पहले स्किन सुपरफिशियल फेशिया, लैटिसमस डोर्साई, सेराटस पोस्टीरियर इन्फीरियर, थोरैकोलम्बर फेशिया की पोस्टीरियर लेयर। और फिर हमारे पास आ जाता है इरेक्टर स्पाइनी, मिडल लेयर ऑफ थोरैकोलम्बर फेशिया, और अल्टीमेटली हमारे पास आ जाता है क्वाड्रेटस लंबोरस और इंटीरियर लेयर ऑफ थोरैकोलम्बर फेशिया। क्वाड्रेटर लंबोरस इंटीरियर लेयर ऑफ एंड मिडिल लेयर ऑफ थोरैकोलम्बर फेशिया के दरमियान में होता है, जो कि इरेक्टर स्पाइनी होता है, वो मिडिल लेयर एंड पोस्टीरियर लेयर ऑफ थोरैकोलम्बर फेशिया के दरमियान में होता है। इसकी क्लिनिकल्स की बात कर लें, किडनी के क्लिनिकल्स की बात कर लें, तो जब कहते हैं कि ना हम जब हम कट करते हैं ना किडनी की सर्जिकल ऑपरेशन करते हैं, तो हमें ध्यान रखना होता है कि हम प्लूरल कैविटी को ना डैमेज ना कर, उसको ओपन ना कर दें। वो कैसे कि जब ये हमारी जो किडनी है, लेफ्ट किडनी है, उस पर दो के पीछे है, ये हमारी 12th rib है और ये हमारी 11th rib है, और जो राइट है वो सिर्फ उसके रिब की होती है, 12th rib उसके पीछे आ रही होती है। वो कहते हैं कि जो पैराइटल है ना हमारी प्लूरल कैविटी, वो आई होती है 12th rib तक, ये यहाँ तक हमारी ये सारी प्लूरल कैविटी है। तो अगर हम इसको एक्सपोज करने लगे तो ये जो होती है इसको खतरा होता है कि ये खुल जाएगी, ठीक है। और अगर कहते हैं कि ये हो इन केस 12th rib हो ही ना, तो उसमें तो बहुत ही ज़्यादा खतरा होता है कि हम ये जो प्लूरल कैविटी है ना इसको कट कर दें, मतलब ये ओपन हो जाए। तो इसलिए ना ये हम कट सर्जिकल ऑपरेशंस नहीं करते हैं, हम लिथोट्रिप्सी से ना काम चलाते हैं, मतलब लिथोट्रिप्सी हम करते हैं, उसकी वजह से ना ये डेंजर का खतरा ख़त्म हो जाता है। अब हम देखते हैं रीनल एंगल क्या होता है। रीनल ये हमारी वर्टिब्रा है, यह इसके साथ लगा हुआ है इरेक्टर स्पाइनी मसल, ठीक है। इरेक्टर स्पाइनी लगा हुआ है, ये हमारी 12th rib है, ये 11th, ये 12th rib और इसके दरमियान में इरेक्टर स्पाइनी के दरमियान में जो एंगल बनता है ना, इसको कहते हैं हम रीनल एंगल, ठीक है। ये यहाँ पे ना किडनी का लोअर एंड होता है, लोअर पार्ट होता है किडनी का। कहते हैं अगर हम इसको प्रेस करें, यहाँ पे प्रेशर दे, और अगर टेंडरनेस फील हो ना, तो इसका मतलब है किडनी में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ना हम इसको पालपेट कैसे करते हैं। किडनी को पालपेट करने के लिए हम बायमैनुअली करते हैं, एक ऊपर हम हाथ ऊपर रखते हैं, मतलब बैक साइड पे, और एक हम रखते हैं फ्रंट साइड पे, एब्डोमेन के फ्रंट साइड पे रखते हैं, और एक पीछे रखते हैं फ्लैंक के पीछे, और एक फ्लैंक आगे रखते हैं, ठीक है। हाथ अगर तो किडनी बड़ी हुई है ना, एनलार्ज हुई है, उसकी वजह से ना इसका जो लोअर पावर है ना पालपेट, डीप हम इंस्पायरेशन करें ना, रिब इंस्पायरेशन पे इसका लोअर बॉल पालपेबल हो जाता है। एक होती है फ्लोटिंग किडनी। फ्लोटिंग किडनी क्या होती है, वो ऊपर भी मूव कर सकती है, नीचे भी मूव कर सकती है, लेकिन साइड्स पे मूव नहीं कर सकती। फ्लोटिंग क्यों साइड पे मूव नहीं कर सकती, साइड पे तो सेंटर में तो हमारा पूरा वर्टिब्रल कैनाल पड़ा होता है, साइड पे हमारी किडनीज पड़ी होती है ना, तो ऊपर नीचे तो मूव कर सकती है, इधर उधर नहीं हो सकते। अब ये जो फ्लोटिंग किडनी होती है ना, इसको हम क्या करते हैं, इसकी जो पोस्टीरियर लेयर ऑफ रीनल फेशिया होता है ना, उसको जोड़ देते हैं हम डायफ्राम के साथ जोड़ देते हैं, इस तरह।
अच्छा, अब वो कहते हैं कि ना ब्लड पेरिनेफ्रिक एब्सेस हो गया है या पस पस वगैरह, ये ब्लड जो निकल रहा है ना किडनी से किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, वो क्या करता है, वो भी रीनल फेशियल से नीचे भी आ सकता है, नीचे आ सकता है ठीक है, लेकिन ये अपोजिट साइड पे नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि इसके जो सेंटर में पड़े होते हैं ना वर्टिब्रा, वहाँ पे रीनल फेशिया फॉर्मली अटैच होता है और वो उसको नहीं देता कि वो साइडों पे जा सके ठीक है, ऊपर नीचे भी जा सकता है ऊपर भी जा सकता है लेकिन साइड्स पे नहीं जा सकता। फ्लोटिंग किडनी में इस तरह साइड्स पे नहीं जा सकती, ऊपर नीचे जा सकती है। अब हम कॉमन डिजीजेस की बात करें, किडनी की नेफ्राइटिस होता है, इन्फ्लामेशन हो गई है, नेफ्रॉन्स में प्रॉब्लम हो गई है, पायरोनेफ्राइटिस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन, बैक्टीरिया इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो होता है, इंटरस्टिशियम होता है ना रीनल इंटरस्टिशियम, वहाँ पे इन्फेक्शन कर दिया है, या ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द किडनी, स्पेसिफिक बैक्टीरिया का नाम बता दिया कि ट्यूबरक्लोसिस क्लोसिक बैक्टीरिया की वजह से होगा। इसके अलावा स्टोन्स बन सकते हैं, ट्यूमर्स हो सकते हैं किडनी में। अगर प्रॉब्लम है किडनी डिजीज़, उसकी हम पता कैसे चलता है कि किडनी में प्रॉब्लम है, उसकी वजह से ना पूरी बॉडी में एडिमा हो जाता है, आंखें सूज जाती हैं, मुंह सूज जाता है, हाइपरटेंशन हो जाती है ठीक है। अब अगर तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया ना, उसका मतलब होता है हमारी किडनी काम नहीं कर रही सही तरह से। ब्लड में अगर ब्लड यूरिया इंडिकेट्स, अगर हम हमारी बॉडी में ना हमारे ब्लड में यूरिया का लेवल बढ़ गया ना, उसका मतलब है किडनी अपना काम प्रॉपर तरह से नहीं कर रही, क्योंकि यूरिया किडनी का काम ही यूरिया रिमूव करना है, तो जब यूरिया ब्लड में ज़्यादा तो उसका मतलब है किडनी काम नहीं कर रही। उस किस में हम डायलिसिस करते हैं या ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। डायलिसिस जो होती है ना वो दो तरह से होती है, हीमोडायलिसिस जहाँ ब्लड करते हैं, या पेरिटोनियल डायलिसिस, उसमें पेरिटोनियल जो ब्लड डायलिसिस है ना उसमें हम पूरा ब्लड बाहर निकालते हैं और वो पूरी मशीनरी से गुजर के वापस जाता है, लेकिन जो पेरिटोनियल डायलिसिस है ना वो कैथेटर के जरूर करते हैं, हम कैथेटर डालते हैं पेरिटोनियम में और वहाँ से करते हैं। अब वो कहते हैं जो हम ट्रांसप्लांट किडनी करते हैं ना उसको ना हम ये ट्रांसप्लांट किडनी जो हम करते हैं उसमें क्या होता है कि वो हम पुरानी किडनीज को रिमूव नहीं करते, हम उन किडनीज को लगा रहने देते हैं ठीक है। हम हमारी मतलब किडनी ख़राब थी, हमने यहाँ पे ख़राब थी ना, ये इनमें से कोई ख़राब थी, इसको कुछ नहीं किया, यहाँ पे ना हमने नीचे ही लगा दी है, और इस किडनी को ना इस किडनी के साथ अपना ही यूरेटर जोड़ दिया है, यूरेटर लगा के उसको ब्लैडर के साथ जोड़ दिया है, और इसके अलावा इसकी जो बाकी सप्लाई होती है उसके साथ जोड़ दिया है। हम लाजमी नहीं है जो ख़राब हो गई है उनको निकाल दें। इसके अलावा पॉलीसिस्टिक किडनी हो सकती है जिसमें बहुत ज़्यादा सिस्ट बन सकती हैं, और ये कॉन्जेंटल कंडीशन होती है हमारे पास। ये है पॉलीसिस्टिक किडनीज, इसमें बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी सिस्ट बन जाती हैं। ये है हमारे पूरे डायलिसिस, पेरिटोनियम डायलिसिस बताया हुआ है, उसमें हम कैथेटर के थ्रू अंदर फ्लूइड भेजते हैं और वहाँ से वो यूरिया वगैरह या वेस्ट प्रोडक्ट सारे निकलते हैं ठीक है। ये हमारा हीमोडायलिसिस है, ब्लड हमने निकाला है पूरी मशीनरी में से होता हुआ, ये जा रहा है और वापस जा रहा है ठीक है। एक तरफ इसके डाइल्यूटिंग फ्लूइड होता है जो उसको रिमूव करता है। इसके बाद ये इन्होंने स्टोन्स की बात की हुई है कि जो रीनल स्टोन्स होते हैं और गॉल स्टोन्स में क्या फ़र्क होता है। रीनल स्टोन्स जो होते हैं ना वो वर्टिब्रा के बिल्कुल आगे पड़े होते हैं ठीक है, लेकिन जो गॉल स्टोन्स है ना वो उसके आगे होते हैं, मतलब रीनल स्टोन से भी आगे होते हैं। इसकी वजह से ना जब हम इसकी करते हैं ना, हम इनको देखते हैं, मतलब हमने एक्सरे वगैरह या दूसरी चीज़ों से कहीं देखा है ना हमने, तो जो ये जो रीनल स्टोन्स है ना हमें ये रेडियो ओपैक नज़र आएंगे, लेकिन जो गॉल स्टोन्स है ना वो रेडियो ओपैक नज़र नहीं आएंगे हमें।